अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिनजेंसी टेबल। ठीक है, इसके डिफरेंट नेम है, इसको क्रॉस टेबुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको टू फ्रीक्वेंसी टेबल भी कहते हैं, या इसको टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स ये भी कहते हैं। ठीक है, ये कंटिनजेंसी के टेबल के डिफरेंट नेम्स हैं। तो कंटिनजेंसी टेबल को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने जितना भी अब तक काम किया है वो सारा का सारा हम लोगों ने क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर काम किया है, क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर काम किया है। ठीक है, तो जो अगर अब क्वालिटेटिव डेटा की बात करें, तो क्वालिटेटिव डेटा की जो करेक्टरिस्टिक होती है वो किसी किसी करेक्टरिस्टिक का एब्सेंट होना या प्रेजेंस होना होता है। मींस कोई करेक्टरिस्टिक कोई भी वेरिएबल पोजेस कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। मींस कि अगर कोई करेक्टरिस्टिक है, सपोज मतलब कि वो मेल या फीमेल कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव में डिवाइड किया जा सकता है, हेल्दी या डिजीज में डिवाइड किया जा सकता है, तो कैटेगरी आ जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। देखें इसकी डेफिनेशन, द क्वालिटेटिवली करेक्टरिस्टिक्स सच एज मेल और फीमेल टाल और शॉर्ट पास और फेल सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड हाई और लो पॉजिटिव और नेगेटिव हेल्दी और डिजीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। इसमें आ सकते हैं स्मोकिंग, नॉन स्मोकिंग, लंग कैंसर, नॉन लंग कैंसर। ठीक है, जो कुछ मर्जी जो करेक्टरिस्टिक टू में डिवाइड हो जाए या टू से ग्रेटर देन में। ठीक है, तो जैसे हम करते हैं परफॉर्मेंस को अगर देख लिया जाए, एवरेज, लो, एक्सीलेंट, गुड। ठीक है, तो हम एक दो से ज़्यादा में कर रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक है तो ये क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट्स कहलाएगा। रिमार्क देखें, द एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी मेजर कैन नॉट बी मेजर एक्यूरेटली, क्योंकि हमारे पास ये क्वालिटेटिव है। हम हाई और लो की बात करते हैं, हम
हाई और लो की बात करते हैं, और अगर हाई और लो की बात करें तो 70 और 80 ये दोनों किस में आएंगे? हाई में आएंगे। इसी तरह 40 और 30 ये किस में आएंगे? लो में आएंगे। तो हम एक्यूरेटली मैयर नहीं कर सकते इसको, बट दे कैन बी। Divided into classes, जैसे यहाँ पे सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड ये दो क्लासेस बन गई हैं, दो कैटेगरी बन गई, हाई और लो ये दो कैटेगरी बन गई। और परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ पे एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, लो, ये सारी क्या है? क्लासेस बन जाएंगी। ठीक है। एंड देयर नंबर्स इन ईच क्लास कैन बी काउंटेड। और हर क्लास के अंदर हम लोग ये देख सकेंगे कि इस क्लास के अंदर कितने पर्सन्स आ रहे हैं जो कि हाई कैटेगरी में आ रहे हैं, हाई कैटेगरी में कितने पर्सन्स आ रहे हैं, लो कैटेगरी में कितने आ रहे हैं, पॉजिटिव कैटेगरी में कितने आ रहे हैं, नेगेटिव कैटेगरी में कितने आ रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक्यूरेटली मैयर नहीं कर सकते एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, क्लासेस में डिवाइड करते हैं और हर क्लास में जितने नंबर्स होंगे वो काउंट किए जा सकते हैं। और जो क्लासेस 2 में डिवाइड होती हैं वो क्या कहलाती है? डाइकोटोमी, जिसका क्या मतलब है? डिवाइडेड इनटू 2। जैसे परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उसमें क्या होगा? हाई, लो, उसमें क्या होगा? गुड, एक्सीलेंट, सेटिस्फैक्ट्री, लो, तो वो कैटेगरी 2 नहीं, 2 से ज़्यादा है। तो जो कैटेगरी 2 में डिवाइड होती है वो डाइकोटोमी कहलाती है। जैसे यहाँ पे सारी लिखी हुई है, सारी क्या कहलाएंगी? डाइकोटोमी कहलाएंगी। अब ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। ए बी सी, ठीक है, इनको ए बी सी कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। और इनको, इनकी फ्रीक्वेंसी को हम किससे करते हैं? ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अगर राउंड ब्रैकेट के अंदर ए लिखा गया है तो इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास या कैटेगरी ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, ठीक है। और अगर हम इस तरह लिखें तो ये कहलाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास ए बी। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखें। इफ ए रिप्रेजेंट इंटेलिजेंस एंड बी रिप्रेजेंट स्मोकिंग देन ए क्या होगा? ए राउंड ब्रैकेट के अंदर ये होगा फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ क्लास इंटेलिजेंस। और अगर ए बी की बात की जाए तो ये होगा फ्रीक्वेंसी
या नंबर ऑफ क्लास, इंटेलिजेंस एंड स्मोकिंग मीन्स इसके अंदर वो पर्सन्स आएंगे जो इंटेलिजेंस होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी होंगे, और इसके अंदर वो पर्सन्स आएंगे या उनकी फ्रीक्वेंसी आएंगे जो इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट भी होंगे और स्मोकर भी होंगे। ठीक है, अब आ जाए कंटेंजेंसी टेबल पे। कंटेंजेंसी टेबल आर यूज्ड टू मेजर द एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स कह लें या फिर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ये जो टेबल है ये हमें बताता है कि दो एट्रीब्यूट्स या जो वेरिएबल्स हैं क्वालिटेटिव उनके दरमियान में कोई एसोसिएशन, कोई रिलेशन है या नहीं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं या नहीं, या एक दूसरे से एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इस चीज़ को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, कंटेंजेंसी टेबल्स ड्रा करते हैं। कंटेंजेंसी टेबल ड्रा करने के लिए देखें इसकी जनरल फॉर्म देखें। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को देखा जाए तो क्या कहलाएगा, ए आ टेबल डैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर रोज एंड टू और मोर कॉलम्स इनटू विच एन ऑब्जर्वेशंस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टू डिफरेंट क्राइटेरिया और वेरिएबल्स इस कॉल्ड कंटेंजेंसी टेबल। अ टेबल डैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर रोज एंड टू और मोर कॉलम्स, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स एट्रीब्यूट्स पे। ठीक है, इन टू विच एन ऑब्जर्वेशंस, टोटल जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम रोज और कॉलम्स में डिवाइड करेंगे वो एन है, आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू टू डिफरेंट क्राइटेरिया और वेरिएबल्स इज कॉल्ड कंटेंजेंसी टेबल। ठीक है, अब ये टेबल देखें, एक जनरल टेबल बना रही हूँ यहाँ पे। पहले इसके रिमार्क्स देख लें, ईच कॉलम रिप्रेजेंट्स द कैटेगरी ऑफ वन वेरिएबल एंड टेबल हैज सी कॉलम्स। ठीक है, ईच
रॉ रिप्रेजेंट द कैटेगरी ऑफ अदर वेरिएबल एंड टेबल हैज आर रोज। इस टेबल को हम क्या कहेंगे? इट इज आल्सो कॉल्ड आर क्रॉस सी, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, कंटेंजेंसी टेबल। द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम ऑफ अ कंटेंजेंसी टेबल इज कॉल्ड अ सेल। अब इसकी जनरल फॉर्म देखें। अब अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हों, ठीक है, दो वेरिएबल्स हों ए एंड बी, ए की जो हमारे पास क्लासेस हों वो हों ए वन ए टू ए आर, ठीक है, और बी की हमारे पास क्लासेस हों बी वन बी टू बी सी, ठीक है। और देखें फिर ये टेबल कैसे बनेगा। जनरल टेबल बना रही हूँ। यहाँ पे क्लासेस, ठीक है, यहाँ पे कॉलम में ए वन ए टू ए आई, ए आर, ठीक है, यहाँ पे ये क्या आ गया है टोटल बी वन बी टू बी जे बी सी, यहाँ पे ये टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि कितने पर्सन इस कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या होंगे वन वन ओ वन टू ओ वन जे ओ वन सी ओ टू वन ओ टू टू ओ टू जे और ओ टू सी, इसी तरह ये होंगे ओ आई वन ओ आई टू ओ आई जे ओ आई सी, यहाँ पे क्या होगा ओ आर वन ओ आर टू ओ आर जे और ओ आर सी। अब यहाँ पे क्या होगा, इनका टोटल होगा और वो क्या राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, इसके नीचे इसका टोटल होगा ये राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, इसके अंदर इसका टोटल होगा ये राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, इसके अंदर इसका टोटल होगा और ये राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा।
यहाँ पे इसका टोटल होगा इस रो का, ठीक है, वो राउंड ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे इस रो का, ये राउंड ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे इस रो का, ये राउंड ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे इस रो का। तो देखें, आर रोज बनती है हमारे पास और सी कॉलम्स बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये भी क्लासेस हैं, ये भी क्लासेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये इनका टोटल है, और यहाँ पे ये ग्रैंड टोटल, जितना भी सारे टेबल का होगा वो आएगा, टोटल आएगा, ठीक है। और ये जो, ये हमारे पास सारा टोटल है, A1, ठीक है, A2, AI का टोटल, AR का टोटल, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉलम, बल्कि ये हमारे पास मार्जिनल सम कहलाएगा। सिमिलरली जो ये वाला टोटल है, ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, मार्जिनल सम कहलाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसीजर, कंटेंजेंसी टेबल को यूज़ करते हुए हम कैसे टेस्ट करेंगे कि क्वालिटेटिव डाटा के अकॉर्डिंग कैसे टेस्ट करेंगे कि ये दो वेरिएबल्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं। तो देखें इसका प्रोसीजर, प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस इन कंटेंजेंसी, इंडिपेंडेंस कंटेंजेंसी टेबल। तो देखें सबसे फर्स्ट जो स्टेप है, फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस एज, नल हाइपोथेसिस बनेगा द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट और अल्टरनेटिव बनेगा टू वेरिएबल्स, द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट मीन्स डिपेंडेंट है, जिसका मतलब ये है कि दे आर एसोसिएट, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जस्ट ये चेक करेंगे कि एसोसिएशन है या नहीं है, मैयर जो होती है वो हम कोरिलेशन में देखते हैं कि कितना, या स्ट्रेंथ जो है एसोसिएशन की, रिलेशन की, डिपेंडेंसी की, वो हम कोरिलेशन के अंदर देखते हैं। एक और बात, ये जो हर कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, ये सेल बन रहे हैं। सेकेंड नंबर पे क्या है, चूज अ सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा, कॉमनली यूज जो है वो 0.05,
0.05 या 0.01, मोस्टली 0.05 ही आ जाता है। टेस्ट स्टैटिस्टिक, वो है काई स्क्वायर सम आई इज इक्वल टू 1 to आर जे 1 to सी ओ आई जे। ओ आई जे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वाले ऑब्जेक्ट है। माइनस ई आई जे स्क्वायर ओवर ई आई जे, ठीक है। सी कॉलम्स का और आर रोज का। ई आई जे अब यहाँ पे क्या है, ई आई जे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और ये हर सेल की हम फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, ए आई का टोटल अगर ई आई जे हम फाइंड करना चाह रहे, बी जे का टोटल डिवाइडेड बाय एन, जितनी भी टोटल ऑब्जर्वेशंस है वो। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में आर माइनस वन सी माइनस वन। ये कैसे देखें अगर इसके टेबल को हम, तो अगर इस रो इस कॉलम की बात की जाए, तो इस कॉलम में ये वाला टोटल लेके आने के लिए हम क्या है, आर हमारे पास टोटल वैल्यूज है, ठीक है। आर माइनस वन प्लेसिस पे हम इंडिपेंडेंट है, लेकिन यही टोटल लेके आने के लिए, लेकिन यही टोटल लेके आने के लिए हम आर्थ पोजीशन पे डिपेंडेंट है, हमें वही वैल्यू लेनी पड़ेगी कि टोटल यही बने, ठीक है। अगेन देखें आर हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ हैं, आर माइनस वन प्लेसिस पे हम क्या है, इंडिपेंडेंट है कि हम वैल्यूज़ अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन आर्थ पोजीशन पे हम बाउंड हो जाते हैं कि हमारे पास टोटल क्या आए, बी वन ही आए। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करें, तो हम यहाँ पे सी माइनस वन प्लेसिस पे इंडिपेंडेंट है, लेकिन सीथ पोजीशन पे हम क्या है, डिपेंडेंट है कि सम जो है वो ए वन ही बने। तो इस वजह से इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आर माइनस वन सी माइनस वन है, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ क्या है, डिसाइड एस लो, रिजेक्ट एच नॉट इफ द कंप्यूटेड वैल्यू काई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू अल्फा आर माइनस वन सी माइनस वन। यानी ये हमारे पास बन रहा है अगर इसको हम न्यू लिख लें, तो ये क्या है न्यू। अब अगर तो वैल्यू इससे बड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल रीजन में फॉल करेंगे या रिजेक्शन रीजन में फॉल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे, मींस एच वन को एक्सेप्ट करेंगे। और लेकिन अगर वैल्यू यहाँ पे फॉल कर रही होगी, तो हम क्या करेंगे, एच नॉट को अदरवाइज एक्सेप्ट एच नॉट, अदरवाइज एक्सेप्ट एच नॉट, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी की जब हम बात कर रही हैं, तो ये मार्जिनल टोटल कहलाएगा, ये भी मार्जिनल टोटल डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है।
या ये कह सकते हैं हम आयत, रो टोटल जेड कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगेन इसका प्रोसीजर देख लें, कंटेंजेंसी टेबल में इंडिपेंडेंस ऑफ हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए इसके अंदर जो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेंगे, नल हमेशा क्या होगा, दो वेरिएबल्स की इंडिपेंडेंसी का होगा और अल्टरनेटिव उनकी एसोसिएशन या रिलेशन का होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज करेंगे अगर गिवन ना होगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक ये यूज़ करेंगे, जितनी भी टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं उनके लिए ये वाला सम। यहाँ पे ई आई जे ओ आई जे हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, ई आई जे हमारे पास क्या एक्सेप्टेड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है जो कि इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में आर माइनस वन सी माइनस वन है, और यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक ये इसके अकॉर्डिंग हम रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेंगे एच नॉट को। ये था कंटिंजेंसी टेबल का इंट्रोडक्शन।